नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एनालिसिस करने वाले हैं। क्या डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ रह सकती है, क्या कैटेगरी वाइज कट ऑफ रह सकती है, तो जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले अगर पेपर के लेवल की बात करें तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 का जो पेपर था वो मॉडरेट टू टफ लेवल का था, यानी कि एक एवरेज स्टूडेंट के लिए हर एक सब्जेक्ट में फुल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना संभव नहीं था। अगर बात करें सब्जेक्ट वाइज तो कंप्यूटर में अगर आपने 30 में से 20 से 22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और बिल्कुल सही अटेम्प्ट किए हैं तो ये गुड अटेम्प्ट्स माने जाएंगे। इसी तरीके से रीजनिंग में अगर आपने 30 में से 20 से 24 क्वेश्चंस सही किए हैं तो ये गुड अटेम्प्ट्स कहे जाएंगे। इसके अलावा वुमन सेफ्टी में अगर आप 10 में से 5 से 7 क्वेश्चंस सही करके आते हो तो बहुत ही अच्छे अटेम्प्ट्स माने जाएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स की बात करें तो 10 में से अगर आपने 5 से 7 क्वेश्चन सही किए हैं तो ये बहुत ही अच्छे अटेम्प्ट्स कहे जाएंगे। वहीं जीके और जीएस की बात करें तो अगर 70 में से 40 से 45 क्वेश्चन अगर आपने सही किए हैं तो ये बहुत ही अच्छे गुड अटेम्प्ट्स आपके माने जाएंगे। तो दोस्तों, अगर बात करें कि ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है कैटेगरी वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो दोस्तों आपको बता दें कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट है या जितने भी अलग अलग रीजन्स हैं उनकी कट ऑफ में 4 से 5% का डिफरेंस हर बार रहता है। आप प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ भी चेक कर सकते हैं, तो 4 से 5% की कट ऑफ का हमेशा डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पर एक जनरल कट ऑफ हम आपको बताएंगे हर एक कैटेगरी की और आप उसमें अपने रीजन के अकॉर्डिंग 4 से 5% में कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। आपका रीजन पे डिपेंड करता है कि उस रीजन में नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है या वहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की संख्या कितनी है जिन्होंने अप्लाई किया है। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर्स की जो कट ऑफ है उससे भी एक तुलनात्मक अध्ययन करके अपनी कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक एवरेज स्टूडेंट के लिए जो कट ऑफ रह सकती है अगर बात करें जनरल कैटेगरी की तो 45 से 50 क्वेश्चंस, यानी कि आपके 45 से 50 मार्क्स अगर आप लेके आते हैं ओवरऑल तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद में अगर बात करें एससी कैटेगरी की तो 36 से 40 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं, इवन इसके आसपास भी बन रहे हैं, तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा टीएसपी एससी की बात करें तो 27 से लेके 31 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए। यानी कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है जो कि जनरल और ओबीसी के लिए 40% का है और अदर कैटेगरीज़ के लिए 36% का है, तो एससी और एसटी में जो 36% क्राइटेरिया के आसपास भी है यानी जस्ट क्वालिफाई भी किया है तो उनको फिजिकल के लिए तैयारी करनी चाहिए। एसटी के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये 30 से 35 मार्क्स आपकी रह सकती है। इसी तरीके से ओबीसी के लिए 40 से लेके 45 मार्क्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक कैटेगरी में 4 से 5% का डिफरेंस यहाँ भी देखने को मिलेगा, जो कि आप प्रीवियस ईयर्स की जो कट ऑफ रही है उसके अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अगर इस कट ऑफ के आसपास आपके मार्क्स बन रहे हैं, इवन इससे थोड़े बहुत कम भी मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के बारे में कंप्लीट जानकारी लेनी है कि आगे फिजिकल टेस्ट में क्या रहने वाला है, क्या क्राइटेरिया है और आगे का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, या फिर आप एक नए कैंडिडेट हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो नेक्स्ट राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा उसके लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो उसकी पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर के आप राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम के बारे में कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में प्रोसेस रहने वाला है और आगे जो आपका एफिशिएंसी टेस्ट है अलग अलग पोस्ट के लिए वो क्या रहने वाला है, वो सब कुछ आप नीचे जो आर्टिकल का लिंक दिया हुआ है वहाँ जा कर के पढ़ सकते हैं और अपनी जानकारी को दुरुस्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है।
इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी इस बार, इस बार इसी रेंज में कट ऑफ रह सकती है, इससे थोड़ी बहुत कम भी रहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोज़ पाने के लिए। धन्यवाद।